मेरा नाम विपिन पराशर हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाईस महासम्मेलन बिहार के युवा के अध्यक्ष हुए प्रदेश के, और बीजेपी में पटना महानगर ओबीसी मोर्चा में प्रवक्ता के पद पर हैं। आपके सर पे बहुत बड़ा जिम्मेवारी है सर, आप युवा किए हैं और एक सम्मेलन करने जा रहे हैं 28 तारीख को। हाँ, ये जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय बाईस महासभा की ओर से, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगन्नाथ गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई समान हैं, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया। उन्होंने विश्वास करके दिया कि युवा को संगठन में जोड़ने के लिए, मजबूती लाने के लिए वो जिम्मेवारी दी, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। हर एक जिला में घूमकर अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। वैसे तो मधेपुरा और सहरसा जिला का मुझे प्रभार दिया गया है, विशेष रूप से 28 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए विद्यापति भवन में 11:30 बजे दिन में है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उस संबंधित परिचर्चा के लिए हम लोग जिला से हर एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, जो कि अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़े, अपने समाज के लोग जो जीत कर आए, जिससे हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा, हमारा शहर मजबूत होगा, जिससे आगे आने वाले विधानसभा या लोकसभा में हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक जीत कर आए। जब हम नीचे स्तर से अपने समाज को मदद करेंगे और वो आएगा, तभी हम लोग को आगे बढ़ पाएंगे। आप कैसे पंचायत चुनाव को देखते हैं, क्या इसमें आपको लग रहा है कमी है, और क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? जो आप बोल रहे हैं इस पे चर्चा जो होगी, किस विषय पे आप चर्चा करने जा रहे हैं आप लोग? इस पर हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे समाज से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कहाँ से होंगे, आपसी संबंध बैठा कर एक पंचायत में एक ही उम्मीदवार हो जो शक्तिशाली हो, जो जीत सके। उसके बाद सरकार से हम मांग करेंगे कि सरकार पूर्ण रूपे सुरक्षा दे चुनाव में। ये लोकल स्तर का चुनाव है, भाई भतीजावाद पे आपस में भाई भी खड़ा हो रहा है, भतीजा भी खड़ा हो रहा है, भाभी भी खड़ी हो रही है, तो आपसी लड़ाई होती है। इसको सरकार एकदम सुरक्षा दे, जिससे कि कम से कम हिंसा हो और शांतिपूर्वक मतदान हो। जो भी जीते समाज के लोग ही जीतेंगे, इसका हम लोग को ख्याल रखना होगा। और इस आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक इंटरव्यू लिया मेरा, और मैं समाज के सभी गणमान लोगों से अनुरोध करूंगा कि 28 फरवरी को विद्यापति भवन पहुंचकर अपने पंचायत चुनाव की परिचर्चा में अवश्य भाग लें। 28 फरवरी को विद्यापति में जो कार्यक्रम हो रहा है, पंचायत चुनाव पर परिचर्चा विषय है, इसमें भाग ले। सभी लोग आए, जो समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपना उदार जो कहना चाहते हैं आकर के है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। उस तरह का कैंडिडेट समाज की ओर से दिया जाएगा। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी है? कई लोग इसमें सम्मिलित होंगे। प्रमुख अतिथि में पिछले जो हमारे कार्यक्रम हुआ था दरोगा रायपत में, उस दिन पूर्व उसमें हमारे 22 समाज के तरफ से NDA के 16 विधायक को हम लोग ने सम्मानित किया था। उसमें डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद जी भी आए थे, पवन जायसवाल आए थे, कई विधायक आए थे। इस कार्यक्रम में भी सम्मानित लोग आएंगे, उनको हम लोग बुला रहे हैं।